क्या फिर से तुम भागने के बारे में सोच रहे हो? तू यहां भी आ गया, सर फिरा नौसिखिया निंजा। तुझे उसने भेजा है ना? मैं सकुरा से पहले ही कह चुका हूं, सब कुछ खत्म, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रहे हो? क्यों, समझ नहीं आता, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम हम सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या? और हाँ, ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी नहीं। लीफ विलेज में अब तुम सबके साथ निंजा निंजा खेलने के दिन खत्म हो गए। उन सभी ने अपनी जान खतरे में डाली तुम्हें बचाने के लिए। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया? अगर मैं तुम जैसे दोस्तों के बीच रह जाता तो इतना ताकतवर कभी नहीं बन पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ थाली में सजा कर देगा? तुम्हें क्या लगता है खड़े खड़े तुम्हें अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करते हुए मैं देखता रह जाऊंगा? इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फिर भी तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे तुम्हें मिटाना होगा। क्या बात है, पहले तो इतना ताकतवर नहीं था। बस बहुत हुआ सास्के। दिखाई नहीं देता, अभी तो होश आया है मुझे। असल में बहका हुआ तो वो था, इसलिए अब मुझे तलाश है ताकत की। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। Firestein Dragon Flame Jutsu! Sasuke! बस इतनी ही ताकत है तुमने? मुझे लगा कि तुम ताकतवर हो, अभी तक एहसास नहीं हुआ। मैंने शारिंगन तो यूज किया ही नहीं। जी गुस्सा मत लाओ। अपनी जिंदगी में कभी भी सिर्फ और सिर्फ नफरत और ताकत से मैं अपने भाई को पीछे छोड़ पाऊंगा। अगर तुम होश में आ गए हो तो समझ गए ना कि ये कोई मजाक नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत शारिंगान की। क्यों नहीं, मैं भी फाइनली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। शैडो क्लोन जुत्सु। इससे तो क्या ही होगा। शारिंगान की बदौलत मैं शुरू से जानता था कि तुम में से असली कौन है। बस यही सब कर सकता है तू।
किसका इंतजार है तुझे? चाहे रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएं, मैं ताकत हासिल करके रहूंगा। काफी देर हो चुकी है। पापा, मम्मी। ये तुमने क्या किया? बेवकूफ छोटे भाई, मांगे क्यों शारिंगान? बस करो इताची, तुमने ऐसा क्यों किया इताची? अब तुम मुझसे नफरत करोगे, मेरी तरह तुम भी हो जो मांगे क्यों शारिंगान यूज कर सकते हैं। तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को खत्म करना होगा। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, लड़की नफरत को और बढ़ाओ, और जिस दिन तुम्हें मेरे जैसी आंखें मिल जाए, तब आकर मेरा सामना करना। अब मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक चीज मेरे लिए खास थी, हमारी दोस्ती। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, इसलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं ये समझ नहीं पा रहा। इस बार हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा। हिदोरी! ये क्या? सास्के, तुमने मुझे खत्म करने की ठान ली है। शायद मैं ही वो बेवकूफ था जिसने सोचा हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। नारुतो! हो गया तेरा दी एंड। बारू को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, आया समझ में? तो मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। Oh.
तुम ये समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारी कभी फैमिली थी ही नहीं। जिसका कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा वो मेरे दर्द को क्या समझेगा। हाँ ये सच है, मुझे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता। जब भी मैं इरुका सेंसेई के साथ होता हूँ तब लगता है कि शायद एक पिता का होना कुछ ऐसा ही लगता होगा। और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, अरे खड़ा क्यों है, चल फूटना, तब लगता है शायद एक भाई का होना कुछ ऐसा ही होता होगा। बहुत देर हो गई है नारुतो, अब कुछ नहीं हो सकता। सास्के! सास्के, तुम एक मॉन्स्टर हो। जानते हो हम कहाँ हैं? इस जगह का नाम है फाइनल वैली। इस लड़ाई के लिए सबसे सही जगह है। अब वक्त आ गया है इस लड़ाई के साथ ही तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी और हम दोनों के किस्से भी। चिदोई हो रही है, जैसे उनकी कंध मिट जाएगी। नारुतो, तुमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की होगी,